बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें शहद की पहचान ही नहीं होती है। हमारे मोहल्लों में, हमारे घर के बाहर जो स्टोर्स होते हैं उनमें हमें शहद मिल जाते हैं। यहाँ तक कि कई लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, कहते हैं हम गांव से सीधे शहद लेकर आए हैं और ये प्योर शहद है। हम कैसे, आम आदमी कैसे शहद की पहचान करे, ये हमारे दर्शकों को देखिए, बताएं। शहद की असली की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है कि एक कागज के ऊपर एक चम्मच शहद डाल दें, मोमबत्ती जलाएं, उस कागज को ऐसे पकड़ें और जहाँ पे शहद है वहाँ से मोमबत्ती पे उसको गर्म करें तो कागज में आग नहीं लगेगी और शहद पानी जैसा पतला होकर उबलने लगेगा। जब वो शहद उबलने लगे तो उंगली में ऐसे लगा के देखो, तार नहीं देगा, वो आपको पानी जैसा लगेगा, उसकी चिकनाहट भी खत्म हो जाएगी गर्म करने पे। और जब आप मोमबत्ती बंद करेंगे शहद फिर गाढ़ा होगा तो उसमें चिकनाहट भी आ जाएगी और वो चिपकेगा भी। पहला परीक्षा है। दूसरी परीक्षा है कि आप आग जलाइए, आग जला करके थोड़ा सा शहद जलती अग्नि पे डालें, आपकी अग्नि बुझ जाएगी, धुआं धुआं हो जाएगा। अब उसको आप और चाहे मिट्टी का तेल डालें, चाहे स्प्रिट डालें, चाहे पेट्रोल डालें, जो मर्जी डालें, वो आग नहीं जलेगी। अब जब वो लकड़ियां हटाएंगे तो आग फिर जल जाएगी। जी तीसरी पहचान है इसकी, जो घरों में मक्खी होती है बैठी हुई, देखो ऊपर से थोड़ा सा शहद डाल दो उसके ऊपर, वो शहद में से निकल के उड़ जाएगी, वो शहद में फंसेगी नहीं। आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक शीशे का ग्लास लें, उसका पहले वजन कर लें, जी उसका वजन करके फिर उसमें पानी डालें उबलता हुआ। अब उसमें आप उस पानी के अंदर गर्म गर्म में शहद डाल दें, जब पानी आपका ठंडा हो जाए तो उस पानी को निकाल दें। अब उस गिलास का वजन करें तो जितना आपने शहद डाला उतना उसका वजन बढ़ा ना, उसका उस शहद से फालतू 1 ग्राम बढ़ा ना 1 ग्राम घटा। जी जब तक इसको हिलाए ना किसी लिक्विड चीज से तो ये मिलता नहीं है, पत्थर जैसा नीचे बैठ जाता है। और जब किसी चीज में घोला जाएगा तो ये घुलेगा, ऐसे बिना घोले नहीं घुलता, आग में जलता नहीं, पानी में घुलता नहीं। और जहां पे कहीं पे किसी किस्म की चोट लगी वहां लगा दें तो उसमें खून बह रहा तो खून बंद हो जाएगा, वहाँ का दर्द बंद हो जाएगा और जख्म बड़ी जल्दी भरेगा, उसमें खून नहीं आएगा। जी ये असली शायद की पहचान।